होली खेलते वक्त मुंह कान या आंखों में रंग चला जाता है। तुरंत कुछ उपाय न किया जाए तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। लोगों में सवाल रहता है कि रंग अगर पेट में चला जाए तो क्या होगा। होली के रंग केमिकल से तैयार होते ही हैं, इसलिए सेफ्टी बरतना जरूरी है। साथ ही जाने कलर की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप कौन कौन से तरीके आजमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। होली के रंगों की सबसे बड़ी कमी इनमें डाले जाने वाले केमिकल हैं। देखा गया है कि अगर ये गलती से मुंह के जरिए पेट में चला जाए तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मुंह का पूरा स्वाद भी खराब हो जाता है। लोग कुछ भी खाते हैं तो इन्हीं गंदे हाथों का इस्तेमाल करते हैं। किसी न किसी तरीके से होली का रंग शरीर के अंदर तो जाता ही है। एक्सपर्ट्स की माने तो गलती से भी होली के रंग को निगलने की गलती ना करें। अगर ये मुंह में चला गया तो तुरंत कुल्ला करें। साथ ही होली खेलने के बाद हाथों को अच्छे से वॉश करके ही चीजों को खाएं। इसके अलावा पानी के गरारे भी कर सकते हैं। आंख में होली का रंग अगर चला जाए तो जलन या खुजली की परेशानी हो सकती है। रंगों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनमें केमिकल या कई दूसरी चीजें रंगों के अंदर शामिल की जाती हैं। अधिकतर लोग होली खेलते वक्त ये भूल जाते हैं कि कलर गलती से आंखों में जा सकता है। अगर किसी की आंखों में गलती से होली का कलर चला जाए तो उसे तुरंत ठंडे पानी से धो लें। ठंडे पानी की छींटे मारने के बाद भी जलन हो रही है तो गुलाब जल का इस्तेमाल करें। गुलाब जल के जरिए आंखों को ठंडक मिलती है। ध्यान रहे, आंखों में कलर जाने के बाद इन्हें भूल से भी मसले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से खुजली और जलन बढ़ जाएगी। वही एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कान में होली का रंग चला भी जाए तो इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर होली खेलते वक्त गलती से सूखा रंग कान में चला जाए तो तुरंत नीचे की ओर झटकें, इससे रंग बाहर आ जाएगा। और अगर फिर भी रंग कान में रह जाए तो ईयरबड का इस्तेमाल करें। वैसे कान में रंग को निकालने के बाद भी दर्द या जलन हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।